श्रद्धेय नागर जी, माथुर साहब और सम्मानित मित्रों, आज हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कल आपसे चर्चा की थी कि थोरो ने उसी ज़माने में इस विकास के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और थोरो को उस समय पागल माना गया उसके विचारों की वजह से। अब थोरो रस्किन जो कुछ कहते थे उसको बुद्धि के स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने मनुष्य की बुद्धि को और ख़ास तौर के उसकी जो व्यवसायात्मक बुद्धि थी उसको बहुत प्रखर बना दिया था। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने तो इसकी समीक्षा करते हुए कहा था कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वह बुद्धिवादी पैगंबरों की दुनिया है, वह स्वार्थ में डूबे हुए व्यक्तियों की दुनिया है, वह ऐसी दुनिया है जिसमें औद्योगिकता और पूंजीवाद से निकली हुई एक भयानक पद्धति राज कर रही है, जिसमें तकनीकी सफलताओं और बाहरी जीतों की धूम है, जिसमें शारीरिक सुविधाओं और पार्श्विक विलासिता की सामग्री की बाढ़ है, जहाँ सार्वजनिक जीवन में भी अनियंत्रित लिप्सा का अनंत साम्राज्य है, जहाँ पार्श्विकता और रक्तपात का सहारा लेकर तानाशाही फैल रही है, वहाँ वास्तविकता का आदर तथा धर्म तथा आत्मा की उपेक्षा सबसे बड़ा आधार है। वहाँ जो ये सभ्यता का विकास हुआ, वहाँ मानव बाह्य जगत के रहस्यों का पता लगाने और बाह्य शक्ति की प्राप्ति की दिशा में तो उसने खूब तरक्की कर गया, लेकिन दूसरी शक्ति जो अनादिकाल से हमारे जीवन को प्रभावित करती रही है और जिसका प्रभाव इतना गहरा और अस्थायी रहा है कि उसको देश और काल की सीमाओं के बावजूद भी मिटाया नहीं जा सका, उस दिशा में वो नहीं गए। और वो शक्ति है हृदय की शक्ति। बुद्धि की शक्ति तो बहुत विकसित हो गई और अभी भी विकसित हो ही रही है, लेकिन हृदय की शक्ति की औद्योगिक सभ्यता ने उपेक्षा की, उसके सामने उसकी कोई कीमत नहीं थी। तो इस हृदय की जो शक्ति है, इसका प्रकटन इतिहास में कई विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा हुआ है, लेकिन भारत का यह सौभाग्य रहा है विशेष रूप से कि प्राचीन काल से लेकर अब तक वो हमारे जीवन को प्रभावित करती रही है। भोगवादी सभ्यता का जन्म समुद्र के किनारे हुआ था और समुद्र के किनारे वाले को अगर विकास करना है तो कहाँ जाएगा, दूर जाएगा, कहीं व्यापारी बनकर उसकी खोज करने के लिए जाएगा। यहाँ हमारी संस्कृति का जन्म अरण्य में हुआ है, चारों तरफ अरण्य था और उसके बीच में लोग बैठे थे। इस संस्कृति ने मनुष्य को अंतर्मुखी बनाया। एक अंदर की जो दुनिया है उसके रहस्यों की खोज करना ही विकास माना गया। इसमें जो इस संस्कृति के जन्मदाता थे, क्योंकि अरण्य में थे इसलिए उन्होंने मानव और प्रकृति के रिश्तों का इस प्रकार से उन्होंने देखा। पहली बात तो उन्होंने ये देखी कि प्रकृति में सर्वत्र जीवन है और वो जीवन मानव में भी है, पशु पक्षी में भी है, पेड़ पौधों में भी है, नदी और पहाड़ सब में व्याप्त है। दूसरी बात, जहाँ जहाँ जीवन है उसका आदर होना चाहिए, ये उसका दूसरा तत्व था, इसकी पूजा होनी चाहिए। और इसीलिए आप देखते हैं मत्स्य अवतार भी है तो 12 अवतार भी है, और इधर तुलसी की पूजा भी है तो पीपल की पूजा भी है, और भगवान कृष्ण ने खुद कहा स्थावराणाम हिमालय, आगे कहा अश्वत्थ सर्वक्षाणाम, और फिर नदियों में मैं सुरसरी जाह्नवी हूँ, गंगा हूँ। तीसरी बात इसमें ये थी कि सादगी और संयम का आदर था। जो बहुत वैभवशाली सम्राट थे उनके सामने लंगोटी वाला फकीर जो है उसकी प्रतिष्ठा की जाती थी। अब इतिहास के लंबे काल में जब जब बीच में विचारधारा लोग भूलने लगे, तो हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे मनीषी यहाँ पर जन्म लेते रहे जो उस धूल को झाड़ते रहे, हरम को इन तत्वों की याद दिलाते रहे युगानुकूल, उस जमाने के अनुकूल। मैं इस दिशा में सबसे पहले गौतम बुद्ध की याद करता हूँ। ये इस नतीजे पर पहुँचा गौतम बुद्ध सिद्धार्थ कि राजप्रसाद से दुखों का निवारण नहीं होगा। बाप ने बहुत कोशिश की, क्योंकि इसकी जन्मपत्री में लिखा था कि तो सन्यासी बनने वाला है, फकीर बनने वाला है, तो बाप ने
इसको लपेटने की, इसको आकर्षित करने की काफ़ी कोशिश की। रूपवती कन्या से उसकी शादी कर दी और इस बात का ख्याल रखा कि इसके सामने कई बुरे दृश्य ना आए, लेकिन ये तो इस नतीजे पर पहुंच गया कि राजमहल के सुखों के बीच जनता के दुखों को दूर करने का खोज संभव नहीं है। इसलिए राजमहल छोड़ दिया और जितने त्रास एक गरीब आदमी को झेलने पड़ते हैं, मैं समझता हूँ उसमें सबसे बड़ी भूख है। और जब उन्होंने अंतिम ध्यान में प्रवेश किया तो उनका दृढ़ संकल्प था कि चाहे मेरा रक्त क्यों न सूख जाए, मांस क्यों न सड़ जाए, हड्डियाँ क्यों न गल जाएँ, मैं सम्यक संबोधि प्राप्त किए बिना इस आसन को नहीं छोड़ूंगा। उस दिन राजकुमार के हृदय में जितना भी संघर्ष चल रहा था वह अतुलनीय था। संभ्रांत विमूढ़ मन, उद्वेगकारी व्यग्रता हृदय पर छाई हुई, उदास विद्रुप विचारों की घिनौनी आकृतियाँ, मानो मार सेना ही प्रबल आक्रमण था। राजकुमार के हृदय के कोने कोने में उनका पीछा किया जाने लगा, लेकिन उसने सबको पराजित कर लिया और अंत में वो इस संग्राम में से विजयी होकर निकले। क्योंकि बुद्ध के युग का जो समाज था उसमें कई बुराइयां आ गई थी और उन बुराइयों के बीच में जो प्रकाश मुझे मिला वो प्रकाश वही भारतीय संस्कृति के संदेश का था। उसने क्या प्रकाश मिला कि संसार दुखमय है, जन्म दुख है, जरा दुख है, व्याधि और मृत्यु सब दुख है, अप्रिय व्यक्ति का संयोग दुख है और प्रिय व्यक्ति का वियोग दुख है, तथा इच्छाओं का पूरा न होना भी दुख है। वास्तव में जो जीवन आसक्ति से मुक्त नहीं वह दुखमय है। यह दुख पहला आर्य सत्य है। पहला सत्य जो उसके सामने आया वो था कि दुख है मनुष्य के जीवन में। और मनुष्य के जीवन में इस दुख का उद्भव कैसे होता है यह सोचें तो वह जो संशय मनुष्य हृदय में बसी तृष्णा के कारण होता है। दूसरी बात जो उसने निकाली, दुखों का मूल कारण तृष्णा है और इस तृष्णा का मूल मानव शरीर की प्रबल वासनाओं में है। जीवित रहने की प्रबल आकांक्षा पर आधारित यात्राएं कामनाओं की ओर इतनी तीव्रता से आकर्षित होती रहती हैं कि कभी कभी कामनाएं मृत्यु तक का कारण बन जाती हैं। यह दुख का हेतु आर्य सत्य है। अब क्या करें, मुक्ति का कौन सा मार्ग है? इन तृष्णाओं को मूल से उखाड़ कर फेंकना, यही मुक्ति का मार्ग है। और जो भी इस दुख से मुक्ति चाहता है उसको तृष्णा का संपूर्ण क्षय करना होगा। बुद्ध का उपदेश अगर एक शब्द में कहना हो तो तृष्णा क्षय। अब आगे चलिए मध्ययुग में। मध्ययुग में इसी संदेश को हमारे संतों ने फैलाया। सामान्य लोग थे ये आए और इन्होंने भजनों के द्वारा लोक भाषा में, सामान्य भाषा में उसी महान संदेश को लोगों में फैलाया। मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूँ, कबीर की, नानक की और जो दूसरे संत हैं उनकी वाणी तो सबको परिचित ही है, लेकिन एक ऐसे संत पुरुष जिनका प्रभाव कि आज भी बहुत से लोगों के जीवन पर है, व्यवहारिक जीवन पर, उनकी कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये एक ग्वाले थे और इनका नाम था जम्बोजी और जन्म हुआ राजस्थान के रेगिस्तान में, पीपासर गांव में, बीकानेर के। अब राजस्थान में तब भी सूखा पड़ता था और आज भी पड़ता है, और जो कुछ लोग आज करते हैं सूखा पड़ने के बाद वो समय भी करते थे। सूखा पड़ा, अपनी मवेशी को लेकर दूसरे प्रांतों में चल दिए। तो उस समय भी 15वीं शताब्दी में जब ये संत पैदा हुए थे, एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा और लोग तो अपनी गायों को लेकर चल दिए इधर उधर के प्रांतों में, लेकिन जम्बोजी ने कहा मैं यहीं रहता हूँ। अब जम्बोजी चिंतन करने लगे कि प्रकृति जो इतनी उदार है, जिसने हमें जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया, ये इतनी क्रूर क्यों बन गई है? और जम्बोजी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये प्रकृति के साथ मनुष्य के दुर्व्यवहार का फल है, जो प्रकृति हमें दंड देती है। तो क्या करना चाहिए? दुर्व्यवहार के बदले सदव्यवहार करना चाहिए। उन्होंने जीवन में सदाचार के, सदव्यवहार के 29 नियम बना लिए। 29 उस जमाने में गिनना नहीं जानते थे लोग, 20 और 9 बहुत देर तक, 1 बीसी, 2 बीसी इस तरह से गिनते थे लोग। तो 20 और 9 की वजह से उन नियमों को मानने वाले जो लोग हुए, सब ने कहा ये तो बहुत अच्छे नियम है, हम इनका पालन करेंगे। तो उससे एक विष्णुई पंथ का जन्म हुआ। और इन 29 नियमों में से 2 नियम ये थे
कि पशु पक्षी नहीं मारना और हरा पेड़ नहीं काटना। अब राजस्थान का जो कल्प वृक्ष था वो खेजड़ी के पेड़ थे, जो कि रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी जो पेड़ पनप जाते थे और उनसे केवल पशुओं को चारा ही नहीं मिलता था लेकिन उसकी केर जो फलियां हैं उससे मनुष्यों को खाना भी मिलता था। आगे चलकर जम्बो जी का प्रभाव लोगों के हृदयों पर कितनी गहराई तक था, सन 1730 में यानी उनके लगभग 200 साल बाद जोधपुर के महाराजा अजय सिंह जब लड़ाई झगड़ों से निपट गए, थोड़ा कुछ सांस ली, तब कुछ महल बनाना चाहिए ये सोचा। अब महल बनाने के लिए चूना फूकना था, रेगिस्तान में लकड़ी कहाँ से आए चूना फूकने के लिए। तो किसी ने कहा, महाराज वो बिश्नोइयों का खेजड़ी गांव है और वहाँ खेजड़ी के बहुत मोटे मोटे पेड़ हैं। बस महाराजा का हुक्म हुआ और कारिंदे को कुलाड़ी वालों के साथ भेज दिया। महाराजा का हुक्म किसी को पूछना क्यों, गए और कुलाड़ी से सीधे खेजड़ी के मोटे मोटे पेड़ काटने लग गए। अब अंदर एक बहन अमृता देवी छाँच बिलो रही थी। अब उसके कानों में जब अजीब आवाज़ आई, क्योंकि वहाँ पेड़ काटने की आवाज़ तो कभी उन्होंने सुनी नहीं थी, वो बाहर आई। उसने कहा, क्या कर रहे हो, रुको। उसने कहा, राजा का हुक्म है। उसने कहा, राजा का हुक्म भले ही हो लेकिन हमारे पंथ के खिलाफ है, तो अगर अपने पंथ की रक्षा करनी है तो डांट दो राजा का, हम चले जाएंगे दूसरा पेड़ काटेंगे। इसने कहा, डांट दिए पंथ पौणो होए। डांट देने से धर्म का अपमान होता है, अनादर होता है, छोटा होता है। तो तत्काल फैसला कर लिया क्या करना है। उसने कहा, धर्म की रक्षा के लिए, पेड़ की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देनी पड़े वो भी कम है, सिर सांटे रोंख रहे तो भी सस्त हो जाए, सिर के बदले अगर पेड़ बचता हो तो भी ये सस्ता है। पेड़ पर लिपट गई और उसने अपना बलिदान दे दिया। तीनों बेटियां पास खड़ी थी, बारी बारी करके पेड़ों पर चिपक गई और इन्होंने भी अपना बलिदान दे दिया। यह खबर सारे क्षेत्र में फैल गई और देखते देखते 363 बिश्नोइयों ने इस स्थान पर अपना बलिदान दिया। ये घटना भाद्रपद सुदी शुक्ला दशमी को सन 1730 में हुई थी। और वृक्ष मानव रिचर्ड बर्वे बेकर जब भारत में आए और उन्होंने ये कहानी सुनी तो गदगद हो पड़े। उन्होंने कहा, भारत में हरेक अपनी बेटी का नाम अमृता क्यों नहीं लिखता है। और उन्होंने विश्व के 108 देशों में वृक्ष मानव संस्था के माध्यम से इस कहानी को प्रसारित किया। उन्होंने कहा, ये भारत की महान संस्कृति है और दुनिया के सामने आज जो त्रास है उसका उत्तर इसमें छिपा हुआ है। आप कहीं ये ना समझ जाएं कि सारे इतिहास में अकेली घटना है, देश के कोने कोने में इस तरह की विभूतियाँ हुई हैं। उससे कुछ पहले 1375 में कश्मीर में एक विभूति का जन्म हुआ। वहाँ कैमू गांव है, तो वहाँ शेख सलार एक ग्वाले थे। इनके घर एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा उन्होंने नूरुद्दीन। अब बचपन में ही बाप मर गया तो माँ ने मौलवी साहब के पास भेज दिया पढ़ने के लिए। अभी मौलवी साहब के पास गए तो अलिफ ही अलिफ करते रहे, ये अलिफ के बाद बे कहे नहीं। 6 महीने बीत गए, मौलवी साहब ने कहा, माँ तेरा बेटा बिल्कुल बुद्धू है, आगे पढ़ेगा नहीं। इसको मारा पीटा, पूछा आगे क्यों नहीं कहते, उसने कहा अल्लाह एक ही है, अब इससे आगे क्या पढ़ूँ मैं। तो आखिर इन्होंने कहा, किसी काम का नहीं, इसको छोड़ो। तो ये शेख सलार जो हैं ये घूमने लग गए, फिर इनको छोड़ दिया घूमने के लिए कि जाओ। तो इसने प्रकृति की गोद में पर्वतों से, खेतों से, सूर्य और आकाश से, उसमें उसने ज्ञान का दर्शन किया। प्रकृति उसकी पहली शिक्षक थी। और बाद में इसकी माँ ने कहा, चलो अब इसको बांधो, तो बांधने के लिए सबके लिए गृहस्थी की जाती है। गृहस्थी भी हो गई, बेटे भी हो गए, लेकिन इसका ध्यान तो दूसरी तरफ था। एक दिन एक घर छोड़कर अपने गाँव के पास जो गुफा थी उस गुफा में इसने रहना शुरू कर दिया। और गुफा में रहकर क्या करने लगे, वनस्पतियाँ खाने लगे। वो वनस्पति खाना छोड़ दिया, अगले दिन से दूध पर गुजारा करना शुरू किया। दूध पीने के लिए भी, क्योंकि मन को बस में करने का अभ्यास कर रहे थे और जिस समय दूध पीने के लिए तबीयत चाहे उस समय दूध भी नहीं पीना चाहिए, तो प्याला ऐसा बनाया कि उसके नीचे छेद कर दिया। और जब कोई दूध दे तो नीचे से उंगली लगा देते थे छेद पर, अगर मन ने कहा दूध चाहिए तो फिर उंगली करके दूध को वहीं गिरा देते थे।
और जिस समय मन न चाहे दूध पीने को उस समय दूध पीते थे। इस तरह कई वर्षों तक रहते रहे। बाद में चलते चलते इन्होंने एक चश्मे के पानी से ही गुजारा करना शुरू कर दिया। तो ये गांव-गांव जाकर उपदेश देते थे। ऊपर ये पहाड़ में रहते थे जंगल के बीच, और नीचे काश्मीर की सुरम्य घाटी देखते थे। इन्होंने कहा एली पोष बन तेली पोष अन्न, जब तक बन रहेंगे तभी तक अन्न होगा। इस वैज्ञानिक तथ्य को कि जंगल की पहली पैदावार मिट्टी और पानी है और यही अन्न की खेती के लिए मूलभूत पूंजी है, उन्होंने जान लिया था। और उनके इस वचन को पिछले वर्ष विश्व खाद्य संगठन ने विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर पूरे विश्व में प्रसारित किया है। अब देखिए, जिस समय भारत में इस तरह के संत चल रहे थे और भारत के जनमानस पर उनका प्रभाव था, उसी दौरान 15वीं शताब्दी के अंत में यहाँ यूरोप के व्यापारियों का प्रवेश हुआ, और इस जमाने में वो दुनिया में नए नए देशों की खोज कर रहे थे। अमेरिका में भी उन्होंने उसी समय पदार्पण किया था। और उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के मूल निवासी थे, क्योंकि इनके पास बंदूकें थी, डराने के वो भी थे, और दूसरी सारी चीज़ें थी, इनको डराकर पीछे धकेल दिया और उनकी विचारों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। दूसरी बात उन्होंने ये की कि प्रकृति के साथ समरस होने की इनकी जो जीवन जीने की पद्धति थी, इस जीने की पद्धति को समाप्त करने के लिए इन्होंने उनको तहजीब सिखाई। पहले तो उन्होंने कहा कि तुम व्यवहारिक काम धंधे सीखो भाई, तुम जो है स्त्रियों से कहा तुम सूत काटो, कपड़ा बुनो। और अब इनको गर्मियों में कपड़े के इनके लिए कोई उपयोग नहीं था, और जाड़े में ये जंगली पशुओं की जो खाल थी उससे अपना काम चला लेते थे, खरगोश वगैरह की खाल से। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सभ्य बनने के लिए कपड़ा पहनना बहुत ज़रूरी है। और पुरुषों से कहा ये जंगल के जंगली फल क्या खाते हो, तुम जमीन को जोतो। तो इन्होंने उन लोगों को जिनके लिए खाने के लिए पर्याप्त शिकार थी, काष्ट फल था, ये सिखाई अपनी नई सभ्यता। लेकिन इन लोगों ने अपने प्राकृतिक जीवन बिताते बिताते जीवन का एक मानवीय स्वरूप प्राप्त कर लिया था, और वे सदियों से एक दूसरे को या अपने को प्राकृतिक पर्यावरण को क्षति पहुँचाए बिना जी रहे थे। उनके जीवन में प्रकृति के प्रति शोषण के बजाय पर्यावरण के साथ संतुलित संबंध था। एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी जो होड़ के बजाय आपस में बांटने पर आधारित थी। तो इस तरह से बांटने का जो जीवन है ये इन लोगों का जीवन था। और दूसरी बात, एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी जिसमें होड़ कतई थी नहीं, समुदाय की भावना थी, संयम की प्रतिष्ठा थी, और सृजनात्मक कला के लिए अवसर था। तो इस तरह के जीवन को आप असभ्यता का जीवन नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें कला का सृजन हुआ था। दूसरी बात उसमें ये थी कि उत्पीड़न मुक्त शासन की पद्धति थी, और विश्व के प्रति एक आध्यात्मिक भावना थी। इन्हीं चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आज हम करके आ रहे हैं। हम यही तो कहते हैं कि हम इस तरह की तहजीब को कायम करेंगे, इन्हीं को प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। इन्होंने पहले ही प्राप्त कर ली थी। प्रकृति की प्रति उन लोगों की जो भावना थी उसका सजीव वर्णन जो रेड इंडियन चीफ था सियाटो का, उसका जो दस्तावेज है उसमें मिलती है। ये क्या कहता है, अब वाशिंगटन का जो गोरा चीफ था उसने कहा कि भाई हमें कुछ भूमि बेच दो तुम अपनी, यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर हम कुछ अपना केंद्र स्थापित करना चाहते हैं। तो इसने जो दस्तावेज, मैं समझता हूँ सबको अवश्य पढ़ना चाहिए, मैं पूरे पढ़ने में समय नहीं बिताऊँगा, आपको कुछ ही वाक्य उसके पढ़ देता हूँ प्रारंभ में। उसने उसको जवाब दिया, आकाश को भूमि के ताप को तुम कैसे खरीदे बेच सकते हो, यह विचार हमारे लिए अजीब है। ये रेड इंडियन चीफ कहता है, जलवायु की स्वच्छता और जल की पवित्रता पर हमारा कोई अधिकार ही नहीं, तो उन्हें आप कैसे खरीद सकते हैं। हम पृथ्वी के अंग हैं, सुगंधित पुष्प हमारी बहनें हैं, हरिण घोड़े गरुड़ हमारे भाई हैं, चट्टानी शिखर चरागाहों में बहता रस, टट्टू के शरीर की गर्मी और मनुष्य सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये 132 वर्ष पहले लिखा हुआ है उसका, और मैं समझता हूँ कि पर्यावरण पर तैयार किया गया है सबसे सुंदर दस्तावेज है। हमारे जो इसके हजारों वर्ष पूर्व हमारे जो वैदिक ऋषि थे उन्होंने तो पृथ्वी सूक्त में कहा ही था, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, पृथ्वी हमारी माता है और हम सब उसके पुत्र हैं। पश्चिम की सभ्यता भारत की संस्कृति को अंग्रेजी शिक्षा और शासन के बावजूद भी समाप्त नहीं कर सकी।
उसका मुख्य कारण इस संस्कृति का मनुष्य को अंतर्मुखी बनाना था। इसलिए बावजूद इसके कि अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा उन्होंने भारत पर अपने मूल्यों को लादना चाहा, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। जब अंग्रेजी शिक्षा और सभ्यता भारत के चिंतनशील लोगों के बीच में आई, तो उन्होंने बजाय इसके किसके साथ बह जाए, उन्होंने अपने अतीत की ओर देखना प्रारंभ किया, और इसमें से एक नए जागरण का युग प्रारंभ हुआ। मैं समझता हूँ उसके प्रवर्तक राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने पश्चिम की शिक्षा और पश्चिम की तहजीब से जो कुछ सीखा, उससे अंतर्मुखी होकर भारत की जो संस्कृति थी उसके संदेश को सबके सामने किया। और इसके बाद एक एक करके आप देख लीजिए, महर्षि दयानंद हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, रामतीर्थ हैं, योगीराज अरविंद हैं, फिर गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं, ये सब इस नव जागरण की गंगा के प्रवाह को आगे बढ़ाते रहे। और उसी जमाने में हमारे यहाँ पर जगदीश चंद्र बसु जैसे वैज्ञानिक भी हुए, जिसने वैज्ञानिक सत्यों से इस बात को साबित कर दिया कि वनस्पति में जीवन मानना ये कोई गपशप की बात नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है। सदियों पहले महाभारत में जो बातें थी, जिस शांति पर्व में जो कुछ कहा है कि वृक्ष इनको शीत भी है, गर्मी भी है, इस सब का अनुभव होता है, इसको उन्होंने अपने प्रयोगों से दिखा दिया। लेकिन इस पुनर्जागरण की गंगा में तूफान लाने वाले तो महात्मा गांधी थे। उन्होंने भारत की स्वाधीनता को निमित्त बनाकर विश्व की समस्याओं का समाधान ढूंढना प्रारंभ किया। गांधी जी ने जो भोगवादी सभ्यता ने प्रगति की परिभाषा की थी, उसको चुनौती दी। पहले पहले जहाँ बाहुल्य को अधिक से अधिक प्राप्त करने को प्रगति माना जाता था, गांधी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मनुष्य की वृत्तियाँ चंचल हैं, उसका मन बेकार की दौड़ धूप किया करता है, उसका शरीर जैसे जैसे ज़्यादा देते जाएँ वैसे वैसे ज़्यादा मांगता है, ये कभी संतुष्ट तो होता ही नहीं है, ज़्यादा देकर भी वह सुखी नहीं होता, भोग भोगने से भोग की इच्छा बढ़ती जाती है। इसलिए हमारे पुरखों ने भोग की हद बांध दी, उन्होंने भोग की वासना छुड़ाई, उन्होंने सोचा कि बड़े शहर कायम करना बेकार की झंझट है। गांधी जी ने जो 1909 में विचार प्रकट किए थे, उसी की बुनियाद पर नई समाज रचना का जो उनका चिंतन था प्रगति करता गया। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, अपनी बुनियादी आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र और आवास में छोटे छोटे समुदायों को स्वावलंबी होना चाहिए। वह उत्पादक शरीर श्रम को धर्म मानते थे। विकेंद्रित उत्पादन में आज की सभी समस्याओं का और मुख्यतः पर्यावरण प्रदूषण का उत्तर छिपा हुआ है। वायु और जल प्रदूषण का मुख्य कारण तो बड़े बड़े कल कारखाने हैं, इनसे निकलने वाली विषाक्त गैसें और गंदा पानी, ये प्रदूषण के कारक हैं। जब उत्पादन केंद्रीकरण हो जाता है तो उससे बड़े बड़े शहरों और झुग्गी झोपड़ियों का जन्म होता है, दोनों जुड़ी हुई हैं। स्लम्स कोई वहाँ से बनकर नहीं आती हैं, जब महल खड़े होते हैं तो उनको खड़ा रखने के लिए झुग्गियों को आना पड़ता है, क्योंकि महलों को बनाने के लिए भी झुग्गियों में रहने वालों की ज़रूरत है, और फिर महल में जब लोग रहना शुरू करते हैं तो उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाले भी तो कोई चाहिए, इसलिए ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो झुग्गियों को मिटाने का तरीका ये नहीं है कि आप झुग्गी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत करोड़ों रुपए खर्च करके कुछ नए मकान बना दीजिए फिर नई झुग्गियाँ उगाएंगे। उसका मूल कारण तो ये है कि जिसको हमने विकास माना है और जिस विकास के लिए हम केंद्रीकरण करते जा रहे हैं, उत्पादन के साधनों का, रोजगार के साधनों का, वो विकास चुंबक की तरह खींच कर ला रहा है लोगों को और वो झुग्गियाँ बनाते जा रहे हैं। एक सबसे बड़ी जो कठिनाई है जो इससे पैदा हुई है, जो केंद्रित उत्पादन की पद्धतियाँ हैं, पहली बात तो इसने धरती का शोषण तो किया ही है, उसके साथ साथ उसने बेरोजगारी और मजबूरी को भी जन्म दिया है। इसने उत्पादक और उपभोक्ता को दूर तो अलग अलग छोरों पर खड़ा कर दिया है, और इनके बीच किस किस को खड़ा किया है? सबसे पहले व्यवस्थापक, व्यापारी, दलाल, विज्ञापनकर्ता और ढुलान करने वाले, एक बहुत बड़ी अनुत्पादक लोगों की फौज खड़ी कर दी है। तो ये इसने पैदा किया है, इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ी है, क्योंकि आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण का राजनीतिक सत्ता के केंद्रीकरण के साथ चोली दामन का संबंध है। गांधी जी ने अपने अंतिम दिनों में नए भारत के निर्माण के संबंध में अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा था कि पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए तो काफ़ी देती है, परंतु प्रत्येक मनुष्य के लोभ को तृप्त करने के लिए नहीं देती।
मैं समझता हूँ मनुष्य और प्रकृति के प्रेम मूलक संबंधों की स्थापना के लिए, जिसमें आज की सब समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है, इससे बड़ा कोई रास्ता नहीं हो सकता। इन संबंधों को स्थिर रखने के लिए हमें विकास की वास्तविक परिभाषा को आत्मसात करना होगा। वास्तव में विकास संस्कृति का पर्याय है। अब प्रकृति का सुसंस्कार करके जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस तरह करते हैं कि हमें सुख, शांति, समृद्धि और अंतोगत्वा संतुष्टि मिले, तो हम संस्कृति की ओर बढ़ते हैं। यही तो संस्कृति है। आखिर प्रकृति से मनुष्य लेगा, उसके बिना जिंदा रह नहीं सकता है, लेकिन प्रकृति के संस्कार को, सुसंस्कार को ही संस्कृति कहते हैं। प्रकृति का सुसंस्कार करके जो कुछ हम प्राप्त करते हैं, उससे हमारी तरक्की होती है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। ऐसे समाजों में जहाँ सुख, शांति और समृद्धि रही है, वहीं पर कला और साहित्य का सृजन हुआ है। आज हम प्रकृति का संस्कार नहीं, बल्कि भोग लिप्सा की कभी न होने वाली तृप्ति के लिए उसके साथ बलात्कार कर रहे हैं। अतः विकृति का दर्शन हो रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारी हिंदी भाषा का वैभव है कि इसमें ये तीन शब्द ऐसे हैं जो किसी दूसरी भाषा में मिल नहीं सकते। प्रकृति, प्रकृति का सुसंस्कार किया मानव जीवन को उन्नत बनाने के लिए, तो संस्कृति, और प्रकृति का भोग लिप्सा को तृप्त करने के लिए, जो कभी तृप्त होती नहीं है, उसका विदोहन किया, उसके साथ बलात्कार किया, तो उससे विकृति पैदा हुई। अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि हम आज विकृति में हैं या संस्कृति में हैं। युद्ध, प्रदूषण और गरीबी, ये विकृति के प्रकट स्वरूप हैं। युद्ध क्या है? युद्ध व्यक्तिगत असंतोष की, जो अतृप्त वासनाओं की स्वाभाविक परिणति है, सामूहिक अभिव्यक्ति है। व्यक्तियों के अंदर जो असंतोष पैदा हो रहा है, क्योंकि वासनाओं की तृप्ति नहीं हुई, हो ही नहीं सकती है कभी, हमेशा असंतुष्ट हालत में रहेंगे, तो चालाक लोगों ने क्या किया, इस असंतोष को इकट्ठा करके इसके प्रकटन का एक रास्ता बना दिया, युद्ध। और इसीलिए आज सबसे बड़े जंगखोर वही देश हैं जो भौतिक समृद्धि के शिखर पर हैं। उन्होंने अपने नागरिकों के मन के असंतोष को लड़ाई के मनोविज्ञान में परिवर्तित कर दिया है। जिन देशों को किसी से युद्ध नहीं करना है, वहाँ भौतिक समृद्धि वाले क्षेत्र जातीय या दूसरे प्रकार के दंगों तथा उग्रवाद के केंद्र बन रहे हैं। उनका असंतोष इस रूप में प्रकट हो रहा है। इसी तरह से प्रदूषण भोगवादी सभ्यता का तोहफा है और गरीबी इन दोनों का परिणाम है। युद्ध की जगह शांति की स्थापना करनी है तो व्यक्ति को तृष्णा क्षय अपनाना होगा। व्यक्तिगत संतोष की अभिव्यक्ति सामाजिक शांति होती है। शांति के लिए तो अंदर संतोष पैदा करना होगा, और वो व्यक्तिगत संतोष जो है, उसी की अभिव्यक्ति जो है, वो सामाजिक शांति होती है। और व्यक्तिगत जीवन में तो बहुत से लोगों ने इसको दिखाया, कहते हैं महर्षि रमण जी के आश्रम के चारों तरफ, उनके आसपास सांप और जंगली वन्य जंतु सब आसपास बैठे रहते थे। इस प्रकार के तो मैंने भी देखे हैं कई संत पुरुष जो अपने हाथ पर पक्षी को यूँ खिलाते रहते थे। तो उसका कारण क्या है? उनके अंदर जो शांति का जो अखंड समुद्र बह रहा है, उसकी अभिव्यक्ति है। उनके लिए चारों तरफ के जो जीव जंतु हैं, उसके निर्भयता का साम्राज्य स्थापित हो गया। और मैं मानता हूं कि आप सब लोग जानते हैं, और हमने भी पहले से ही सुना है, कि रोटी, कपड़ा और मकान सबको चाहिए एक समान, वर्षों तक हम इस तरह के नारे बुलंद करते रहे हैं। यही बुनियादी आवश्यकताएं मानी जाती थी, लेकिन अब पहली बुनियादी आवश्यकता शुद्ध प्राणवायु हो गई, ऑक्सीजन हो गई है। आपको रोटी भले ही मिल जाए, लेकिन अब तो ऑक्सीजन का काल पड़ रहा है। प्राणवायु जो है वो सबसे मुश्किल हो गई है। अब आज के जो केंद्रित उत्पादन का युग है, ये सहजता से ये चीज़ें उपलब्ध हो सके, तो हास्यास्पद माना जाएगा। आज प्राणवायु का कोई बहुत बड़ा भंडार तो कायम नहीं किया जा सकता। अब एक व्यक्ति को एक दिन में कम से कम 16 किलो ऑक्सीजन चाहिए, और रूसी वैज्ञानिक ने तो ये पाया है कि अब हम बायोस्फीयर में नहीं रहते, जीव मंडल में नहीं रहते, उसमें 16 किलो से काम चल जाता था, आज तो हम टेक्नोस्फीयर में रहते हैं, तकनीकी मंडल में, और इसकी
ऑक्सीजन की आवश्यकता है सब जीवधारियों से 15 गुना ज्यादा है। अब आप बताओ, बाजार की अर्थव्यवस्था में इतनी अधिक प्राणवायु जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, किसी को निःशुल्क मिल सकती है? इसी प्रकार पानी का प्रश्न है। जो कुछ पानी हमारे बड़े बड़े नगरों में आजकल आता है, ये तो बड़े बांधों से आता है, बड़े तालाबों से आता है, लेकिन शॉबर्गर ने, जो ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे और 1947 के आसपास हुए, उन्होंने उस समय खोज कर ली थी कि पानी के जब नैसर्गिक प्रवाह को हम रोक देते हैं, उसको बांध देते हैं, नल में डाल देते हैं, तो उसका ट्रेस एलिमेंट, उसका जो जीवन तत्व है, वो समाप्त हो जाता है। तो इसने उसी वक्त कह दिया था कि इसके तो जीवन तत्व नष्ट हो रहे हैं और आज सचमुच हम सब लोग मुर्दा पानी पी रहे हैं। लेकिन मुर्दा पानी की भी उपलब्धि कम होती जा रही है। जाकर नल खोलता हूँ तो उसमें पानी नहीं है, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है कि कब पानी देवता के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार मिट्टी के क्षरण और लवणीकरण की समस्या है। भारत में करीब करीब 1/4 भूमि, लगभग 5,80,00,000 हेक्टर कृषि भूमि और 60,00,000 हेक्टर वन क्षेत्र अत्यधिक भूक्षरण से प्रभावित है। 70 के दशक में 1971 और 80 के बीच बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र जो था, वो 2 करोड़ हेक्टर से बढ़कर 4 करोड़ हेक्टर हो गया और नहरों से सिंचित 9 करोड़ हेक्टर भूमि, दलदल से और 2.5 करोड़ हेक्टर भूमि लवणीकरण के कारण उसका खतरा है। अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक और विद्वान बेरी और जैक्सन ने अपने देश की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा है कि यह कृषि ह्रास के इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसमें उपजाऊ मिट्टी, किसानों में और फार्मों और कृषि भूमि की क्षति हुई है। अब इस परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, और यह रास्ता हमारी संस्कृति ने बताया है। हमारी संस्कृति ने क्या बताया कि मनुष्य के स्थायी सुख, शांति और समृद्धि का स्रोत प्रकृति है। वह प्रकृति के साथ जितना अधिक समरस होकर रहेगा, वह उतना ही अधिक सुखी रहेगा, उसके आसपास शांति रहेगी और अस्थायी समृद्धि का उपभोग करेगा। इसका पहला सिद्धांत यह है कि हमारे जीवन निर्वाह की पद्धति ऐसी हो जो नवीकृत साधनों के ऊपर आधारित हो, और इन्हीं नवीकृत साधनों का हम अधिक से अधिक उपयोग करें। अब नवीकृत साधन कहाँ कहाँ से मिलते हैं? चरागाह से, जंगलों से, कृषि भूमि से और समुद्रों से। अत्यधिक दोहन के कारण इनके स्वाभाविक वार्षिक उत्पादन क्षमता से हमने कृत्रिम साधनों का उपयोग करके कुछ और ज़्यादा ले तो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो पूंजी में से हम कर रहे हैं, और जिसको हम आज लाभ देख रहे हैं वो पूंजी घटती जा रही है। तो अब हमको एक ऐसी जीवन शैली अपनानी है जिसमें कि बुनियादी पूंजी भी बढ़ती रहे और उसके साथ साथ हमारा जीवन निर्वाह होता रहे। इस जीवन शैली में ही मनुष्य और प्रकृति के बीच प्रेममूलक संबंधों की स्थापना हो सकती है। आज हम इस बात को नहीं देख रहे हैं कि हम तरक्की करते जा रहे हैं लेकिन दूसरों को मिटाते हुए तरक्की करते जा रहे हैं। लेकिन वास्तविक तरक्की तो वो है जिसमें कि दूसरों के जीवन में भी रस आए, और वृक्ष खेती के द्वारा ये बहुत संभव है। सारी धरती एक उद्यान का रूप धारण कर लेगी, एक ऐसे उद्यान का जिसमें प्राणी मात्र को शुद्ध प्राणवायु, जीवंत जल और खाद्य भी बिना प्रयास के सुलभ होगा। पश्चिम की सभ्यता का आधार औद्योगिकरण रहा है, और नए समाज में उद्योगों का क्या स्थान रहेगा, ये सवाल अक्सर उठाया जाता है। तो मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि उपभोक्तावाद संस्कृति विरोधी है, क्योंकि वह मनुष्य को प्रकृति का कसाई बनाता है। इसके अलावा पश्चिमी सभ्यता की आत्मा मशीन से बनी है, यह मशीन बराबर चलती रहती है और बराबर अपनी गति को कायम रखने के लिए मनुष्यों का उपयोग ईंधन के रूप में करती है। मानव मात्र की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योग चलेंगे, लेकिन कुछ बड़े उद्योगों को छोड़कर, जिनका छोटे पैमाने पर नहीं चलाया जा सकता, सब उद्योग विकेंद्रित होंगे। घर घर और गाँव गाँव में उद्योग मंदिर होंगे। निश्चित रूप से इसमें तकनीकी के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। गांधी जी का सपना, जो इस शताब्दी के प्रारंभ में उन्होंने देखता है, कि ऐसा लगता है कि आज जो बारूद के ढेर पर बैठी हुई दुनिया है, उसको साकार करने के सिवा आज उसके सामने कोई रास्ता नहीं है जिंदा रहने का, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। और
गांधी जी ने इस देश से जो गुट निरपेक्षता की और निःशस्त्रीकरण की आवाज सुनी जा रही है और शस्त्रों की होड़ समाप्त करने के लिए दो बड़ी शक्तियां विचार विमर्श करने लगी हैं, यद्यपि विपरीत दिशा में उनके क्रियाकलापों में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन सबसे अधिक आशाजनक तो बाहुल्य वाले देशों में वहाँ की जीवन पद्धति के खिलाफ उठने वाली आवाज़ है। इसमें सबसे सशक्त आवाज़ हरित आंदोलन की है, जो पश्चिमी जर्मनी जैसे देशों की राजनीति में अपना स्थान बना चुका है और राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करने लगा है। गांधी जी ने तो स्पष्ट कहा था कि नए सत्यों को जन्म देने का दावा मैं नहीं करता, मैंने तो केवल अपने ढंग पर सनातन सत्यों का दैनिक जीवन और समस्याओं पर लागू करने का प्रयास किया है। गांधी की विशेषता इसमें थी कि उसने सत्ता के विकल्प के रूप में सेवा को, संपत्ति के विकल्प के रूप में संयम को और शस्त्र के विकल्प के रूप में शांति को प्रस्तुत किया है। लेकिन सबसे बड़ी जो आश्चर्यजनक बात है, जिसके ऊपर सारी दुनिया चलती रही, शास्त्र आइडियोलॉजी, उसके विकल्प के रूप में भी गांधी जी ने हमको एक नई चीज़ दी। क्योंकि युग युग से सत्ता, संपत्ति और शस्त्र, इनके समर्थन में विचारधाराएं प्रस्तुत की जाती रही है और आज भी जो दुनिया खेमों में बटी हुई है वो विचारधाराओं के आधार पर बटी हुई है। ये विचारधाराएं सिवाय इसके कि सत्ता, संपत्ति और शस्त्र को समर्थन करें, कुछ नहीं करती। तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि शास्त्र के स्थान पर सदाचार, गुड बिहेवियर, जो कुछ मैं करता हूँ वही शास्त्र है। और इसीलिए वो दृढ़तापूर्वक उन्होंने कहा कि मेरा जीवन मेरा संदेश है, मैं समझता हूँ भारतीय संस्कृति की इससे उत्कृष्ट कोई दूसरी प्रस्तुति नहीं हो सकती है और इन चार स्तंभों पर हमको समाज को खड़ा करना होगा। सत्ता के स्थान पर सेवा, संपत्ति के स्थान पर संयम, शास्त्र के स्थान पर शांति और शास्त्र के स्थान पर सदाचार। इन चार स्तंभों के ऊपर भी नए समाज की रचना हो सकती है। इस प्रकार एक नई जागतिक दृष्टि का उदय हो रहा है और इसके बारे में पश्चिम के साथ इसका मेल कराने वाले सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन थे। उन्होंने कहा था कि मनुष्य का भावी कल्याण इसमें है कि वो अतीत और वर्तमान तथा पूर्व और पश्चिम के बीच समन्वय का पता लगाए तथा सामंजस्य स्थापित करे। इस समन्वय की दिशा में व्यवहारिक कदम होगा मानवतावादी वैज्ञानिक, परिवर्तन के लिए व्याकुल सामाजिक क्रांतिकारी और संवेदनशील साहित्य और कला सेवियों का एक मंच पर आना। ये है व्यवहारिक रास्ता। कौन इसको करेगा? सवाल ये उठता है कि विचार तो बहुत अच्छे हैं, यदि साहित्यकार, पत्रकार और कलाकारों का आशीर्वाद इसको प्राप्त हो जाए तो जन जन के हृदयों को आलोड़ित कर एक नई क्रांति की ओर ले चलेंगे। सभ्यता का संकट विकास के नाम पर प्रकृति के साथ किए गए बलात्कार से पैदा हुई विकृति है और संस्कृति का संदेश प्राणी मात्र की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रकृति का सुसंस्कार कर संस्कृति का विकास करने में है। यह अवश्य एक कठिन कार्य दिखता है, लेकिन यह संभव है। हमारी संस्कृति में महान कार्य को यज्ञ की संज्ञा दी गई है और यज्ञ की सफलता के लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति का संगम होना आवश्यक है। मैं मानवतावादी वैज्ञानिकों को ज्ञान का प्रतिनिधि, जो क्रांति के लिए छटपटाने वाले सामाजिक क्रांतिकारी हैं, उनको कर्म का और हृदयों का स्पर्श करने वाले साहित्यकार, कलाकार और पत्रकारों को भक्ति का प्रतीक मानता हूँ। वे अवश्य अल्पमत में हैं, लेकिन सृजनात्मक अल्पमत ही दुनिया को बदल सकेगा। मैं आपको अर्नल्ड टॉयनबी की याद दिलाना चाहता हूँ। जब उन्होंने विश्व के इतिहास का अपना मोटा ग्रंथ लिख डाला तो उसका समाहार किस तरह से करें, अंत में क्या लिखें, उन्होंने अपने निष्कर्ष से लिखा है कि मानव जाति विनाश के कगार पर खड़ी है, लेकिन इससे रक्षण का कार्य, नवरचना का कार्य एक सृजनात्मक अल्पमत के, क्रिएटिव माइनॉरिटी शब्द उन्होंने दिया, सृजनात्मक अल्पमत। और मैं समझता हूँ मानवतावादी वैज्ञानिकों, सामाजिक क्रांतिकारियों और हृदयवान साहित्यकारों की ये जो जमात है, यही वो सर्वजनात्मक अल्पमत है। मैं सब विवेकशील लोगों का अपने साथ मानवता की रम रचना के लिए
इस अल्पमत में शामिल होने का आह्वान करता हूँ। बहुमत की तरफ सब जाते हैं, मैं आप सबका अल्पमत में शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी स्मृति में आज हम यहाँ जमा हुए हैं, इस अल्पमत के प्रतिनिधि थे। इन शब्दों के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आप सबके चरणों में अपना प्रणाम। श्री सुंदरलाल बहुगुणा के दूसरे दिन के इस व्याख्यान के पश्चात समारोह के अध्यक्ष विख्यात साहित्यकार श्री अमृतलाल नागर ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा, माननीय बहुगुणा जी, महानिदेशक महोदय, सम्मानित श्रोता मंडली, इस बार देशरत्न राजेंद्र बाबू के सुनाम के साथ जुड़ी हुई व्याख्यान माला में दो खास परिवर्तन नजर आए। एक तो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी उनकी खेती बड़ी राजधानियों से फैलती हुई छोटी राजधानियों तक आ चुकी, और इसलिए स्थान दूसरा दिल्ली के बाद लखनऊ चुना गया, उसका श्री गणेश हुआ। मैं महानिदेशक महोदय को इसलिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बड़ी तब्दीली यह हुई कि बिहार के गांधी के नाम से मशहूर महान लोक सेवा व्रति पूज्य राजेंद्र बाबू की परंपरा में एक आज का सर्व सम्मानित लोक सेवा प्रति आदरणीय भाई सुंदरलाल जी बहुगुणा को आमंत्रित किया गया, यह बड़ी बात। ब्रज भाषा के कवि स्वर्गीय सत्यनारायण जी ने एक बार अपने संबंध में कहा था, कोरो सत्य ग्राम को बासी कहा तकल्लुफ जाने। संत मना सुंदरलाल जी भी अपने को ग्राम का वासी और शहरी तहजीब व तमद्दुन के तकल्लुफात से परहेज रखने वाला मानते हैं। वो हृदय की भाषा बोलते हैं और जो मन से मन को छूने वाला व्यावहारिक सत्य बखान कर सकते हैं। ऐसी ठेठ आस्थावान पुरुष की बातों की समीक्षा नागर बुद्धि से नहीं करनी चाहिए और मेरे ख्याल में मैं कर भी नहीं सकता। आंतरिक विसंगतियों पर अपनी चमत्कारिक तर्क प्रकाश का फोकस डालकर सत्य को अहंकार के सड़े टाट से ढकने का प्रयत्न करना शहरी तहजीब शहरी चिंतना का एक अंग हो सकता है, मगर वह आदरणीय बहुगुणा जी को ग्राह्य नहीं। चिपको आंदोलन के संबंध में होने वाली शुरू की शहरी समीक्षा पर बहुगुणा जी ने कुछ बड़ी ही मीठी मगर बारीक चुटकियाँ ली हैं। बहुगुणा जी ने भोगवादी सभ्यता की बात कही, इसलिए मैं समझता हूँ कि सभ्यता और संस्कृत के प्रभेदों पर भी अपनी बुनियादी नज़र डाल लेना मुनासिब होगा। विद्वान मानते हैं कि सभ्यता का जन्म उपयोगिता से होता है और संस्कृत का जन्म मूल्य नियमन से। सुरक्षा के लिए हमें आपस में मिलना चाहिए, यह मिलन सभा है। उसमें बैठने उठने सुनने और सुनाने के अदब कायदे और तरीके तय हुए। यूँ उपयोगिता से सभ्यता का जन्म हुआ। सभ्यता जो जो विकसित होकर ऊंची चढ़ती जाती है त्यों त्यों संस्कारों की वृद्धि होती है और संस्कारों की वृद्धि से सभ्यता पुष्ट और उन्नत होती है। कबीलाई या जातीय संस्कृत के मूल्यमान स्थापित होते हैं और बड़ी हैसियत में इंसानी तहजीब तमद्दुन के कदम बुलंद होते हैं। पर्यावरण के संबंध में सभ्यता के संकट का बखान करते हुए एक जगह बहुगुणा जी ने कहा है कि उद्योग प्रधान देशों में ही हवा और पानी के प्रदूषण की समस्याएं ज़्यादातर पैदा हो रही। यह सच पिछली कुछ सदियों में खासतौर से 19वीं सदी में औद्योगिकरण को नयापन देने वाले महान वैज्ञानिकों और उद्योगपतियों ने नए नए होने वाले लाभों के लोभवश
कभी अपने ख्वाबों में भी यह न सोचा होगा कि जिस गंदगी को नजरअंदाज करके वो आज प्रदूषण रूपी कुफर का बीज बो रहा है, वे एक सदी के भीतर ही हमारे बच्चों के लिए, वनस्पतियों और खाद्य वस्तुओं के लिए, जीव मात्र के लिए विनाशकारी सिद्ध होने लगेगा। उद्योगों के एवरेस्ट पर चढ़े हुए देश आज इस हकीकत को पहचानने के लिए मजबूर हो चले हैं। उनकी मनोदशा महाभारत के दुर्योधन की तरह है कि जो कहता है, मैं धर्म को जानता तो हूँ मगर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं, मैं अधर्म को पहचानता हूँ मगर उससे मेरी निवृत्ति नहीं हो पाती। मुनाफाखोरी की अंधी लालच में माहौल इस कदर बिगड़ गया है कि छोटे बड़े शातिर और अक्लमंद कारिंदे भी पर्यावरण के से युद्ध करने की अच्छी से अच्छी स्कीमों पर अपने लालच से पानी फेर रहे। इस तरह बाहरी प्रदूषण के साथ साथ आंतरिक प्रदूषण की समस्या और भी गहरी होकर हमारे सामने आई है। यह सभ्यता का दोहरा संकट। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का एक मार्मिक वाक्य बहुगुणा जी ने अपने भाषण में उद्धृत किया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि आज की दुनिया के बौद्धिक पैगंबरों ने औद्योगिकता और पूंजीवाद से निकली एक भयानक स्थिति को जन्म दिया है और वह स्थिति आज हम पर राज कर रही है। यह स्थिति अब हमारी नज़रों के सामने तो है मगर परेशानी इस बात की है कि आज के घने आर्थिक संबंधों की सुविधामूलक सभ्यता बहुगुणा जी की कल्पना की वैदिक संस्कृति वाली सारी दुनिया में आसानी से शायद बदल नहीं सकेगी। मुझे लगता है कि भोगवादी संस्कृति की दुनिया फिलहाल अपने सुरक्षामूलक और सुविधामूलक आविष्कारों की होल में से बाज नहीं आएगी और बाहरी सत्य रहस्यों का भेदन करते हुए ही हम शायद अपने अंतर सत्य को कभी देख सकेंगे, लेकिन वह समय मुझे अभी बहुत दूर नजर आ रहा है। जीवन निष्काम रचना धर्मी और भोगवादी संस्कृति धर्मिता सकाम और उपयोगितावादी दृष्टि से देखना अच्छा नहीं है। जब तक अपनी जीवन दृष्टि को हम इस भटकाव से निकाल कर सही दिशा में संतुलित गति नहीं करते, तब तक बहुगुणा जी और उनके जैसे संत मना पुरुषों की आवाज़ यूँ ही बुलंद होती रहेगी। अपने सुंदर और मार्मिक विचारों को इस भाषणमाला में प्रस्तुत करने के कारण मैं अपनी ओर से और अपने शहर वाले आप सब की ओर से बहुगुणा जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आकाशवाणी के महानिदेशक श्री सुरेश माथुर ने माननीय वक्ता अध्यक्ष महोदय और आमंत्रित श्रोताओं को इन शब्दों में धन्यवाद दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय बहुगुणा जी, साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व्याख्यान माला में आपने दो दिन श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का सभ्यता, संस्कृति और पर्यावरण पर जो मैं क्या कहूँ सरगर्म किस्म का व्याख्यान सुना, बहुत गौर से सुना, बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। मेरी राय में ऐसे मौके कमी आते हैं जब एक ऐसा विषय जिसके बारे में हम सब ये सोचते हैं कि हमें उसके बारे में मालूम है, हम उसको जानते हैं, अचानक ये पता चले कि असल में हमें उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। पिछले दो दिन में मुझे पता चला कि ये कितना विशाल, ये पर्यावरण का जो सब्जेक्ट है ये कितना विशाल है और इसको किस किस दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा समझने के पहले। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हजारों और लाखों श्रोता आकाशवाणी के द्वारा, अपने रेडियो के द्वारा सुंदरलाल जी बहुगुणा का उन्होंने व्याख्यान सुना होगा, उनकी भी आंखें एक नई तरह से खुल गई होंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चलकर इस किस्म की अगर चर्चा होती रही, जो गलत दिशाएं हम ले रहे हैं आज तक और जो ली हैं उनमें परिवर्तन हम कर सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अपने भाषण से ये जो समारोह है इसमें यूं कहिए चार चांद लगा दिए। मैं आपका बहुत आभारी हूं और मेरे पास शब्द नहीं
कि मैं ये आभार ठीक तरह से प्रकट कर सकूं। मैं आप सबका भी बहुत आभारी हूं कि आप लोग इस समारोह में शामिल हुए, दो दिन तक हमारे संग रहे और हमारा मनोबल बढ़ाया। मुझे कुछ डर था कि अगर दिल्ली से इन व्याख्यान मालाओं को कहीं और ले जाया जाएगा तो क्या ये अच्छी बात होगी या नहीं। मेरे ख्याल में आप लोगों ने यहां पर जिस तरह से आप शरीक हुए हैं, उस तरह से शरीक होकर ये दिखा दिया है कि शायद हमारा निर्णय सही ही था। आप सबको फिर धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।